Hello guys, welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. So today I'm back with a very new video. तो आज मैं अकेली नहीं आई हूँ, आज मेरे साथ दो गेस्ट्स हैं और दोनों मेरे नीसेज हैं, एंड वन इज कौशिकी एंड अनदर इज तनुश्री. तो आई होप यू हैव सीन देम प्रीवियसली ऑन माई वेडिंग व्लॉग वीडियोज, एंड तनुश्री को तो आप लोग पहले भी मिल चुके होंगे मेरे वीडियोज़ में. सो टुडे दे आर विथ मी, एंड ऑब्वियसली यू गाइज हैव सीन द टाइटल एंड द थंबनेल. सो टुडे वी आर गोइंग टू रिक्रिएट डैम फैम गर्ल्स. आज हम लोग आशना उन्नति और आशी को रिक्रिएट करने वाले हैं. कौन क्या करने वाले हैं वो हम लोग खुद अपने मुँह से बताएंगे कुछ देर बाद. But this is today's challenge and I'm super excited for this. I haven't seen each other's pictures. We just तो कौन क्या बनेगा ये we just said that. And so after showing you guys what we have made in a video, we will call each other and show each other the final results and we will react to each other's pictures. Let's see कैसा turn out हुआ सबका picture. Yeah, very excited for this. So yeah, let's go. चलिए तनुश्री से start करते हैं. Hello guys, welcome back to my channel. I am for people who know me and for people who don't. My name is Unnati Malharkar. Sorry, my name is Tanushree Das. So basically, आप लोगों को पता है कि आज हम लोग डैम गर्ल्स के इंस्टाग्राम पिक्चर्स को रिक्रिएट करने वाले हैं. तो मुझे जो लड़की मिली है वो है उन्नति. तो यहाँ पे मुझे दो पिक्चर्स को रिक्रिएट करना है उन्नति का. तो बकवास ना करते हुए मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पर उतरती हूँ. तो पहला पिक्चर जो है वो है ये. मेरा स्क्रीन टूटा हुआ है. व्हाइट कलर का एक टी शर्ट पहना हुआ है एंड नीचे में कोई ग्रेइश जीन्स है एंड ईयर में उन्होंने हुप इयररिंग पहना हुआ है सी. और मेकअप भी ज्यादा कुछ है नहीं, टफ इजी सा ही है तो मेरे लिए इजी है. आई एम प्रो. सॉरी फिर बकवास. तो व्हाइट टी शर्ट तो है मेरे पास, ये रहा. वाओ सॉरी. तो ये व्हाइट टी शर्ट बेसिकली मैंने अपने एक अंकल से बोरो कर लिया. नीचे उन्होंने ग्रे जीन्स पहना है तो ये रहा वो ग्रे जीन्स. सॉरी, ये रहा वो जीन्स. और हाँ, हुप, एक सिंगल हुप ही बचा. सेकेंड पिक्चर का, तो जो सेकेंड पिक्चर है वो स्क्रीन में कहीं पे भी दिख जाएगा. उन्होंने अंदर में कुछ ब्लैक कलर का कुछ पहना हुआ है एंड ऊपर से उन्होंने वाइट शर्ट पहना हुआ है और नीचे में उन्होंने जीन्स. मेरे पास ब्लैक कलर का कुछ सेम तो नहीं है बट ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो सेम है ही उनसे. तो और वाइट शर्ट भी है ही मेरे पास, मेरा नहीं है, अंकल से ही मैंने इस बार भी बोरो किया. ग्रे कलर का तो नहीं है, ग्रे कलर का है बट वो फिटेड जीन्स है, मतलब स्किनी जीन्स है मेरे पास ग्रे में. एंड उन्होंने शायद से लूज जीन्स, बैगी जीन्स पहना हुआ है तो मेरे पास ग्रे तो नहीं है, मेरे पास ब्लू कलर का है. देखते हैं कैसे जाता है ये सेकेंड पिक्चर. She is doing amazing job. I am just very excited to watch, see the final results. अब देखते हैं कि कौशिकी क्या कर रही है. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजिताज वर्ल्ड. आई गेस उन्होंने बता दिया होगा आपको कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो जो मुझे मिला है वो है आशना हेगड़े. अगर आप आशना हेगड़े को जानते हैं देन आई गेस यू कैन कैलकुलेट इट कि ये टास्क मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज शी इज माई फेवरेट प्लस शी इज सो परफेक्ट. आई मीन हर ड्रेसिंग स्टाइल, हर बैकग्राउंड, हर लाइटिंग, मैं तो गिव अप करने वाली थी क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता, बट नॉट लूजिंग होप. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अच्छे से जाए. सो जो मुझे दो लुक्स रिक्रिएट करनी है, फर्स्ट लुक है ये जो कि एक सेल्फी है, एंड सेकेंड लुक है ये जो कि एक पोर्ट्रेट है. सो फर्स्ट लुक के लिए मुझे बेसिक से रहना है. सो गाइज आई हैव चेंज्ड माय आउटफिट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लुक. ये है मेरा फर्स्ट लुक एंड उसने रेड कलर की
स्वेट जैकेट पहनी है एंड मेरे पास स्वेट जैकेट नहीं है, आई जस्ट हैव अ रैंडम रेड जैकेट एंड बाल तो मैं कलर नहीं करवा सकती अकॉर्डिंग टू दैट पिक्चर एंड हल्का सा उसने मेकअप किया है एंड या दैट्स इट, इट्स अ कोजी टाइप एंड रैंडम क्लिक है सो लेट्स गिव अ ट्राई. So yeah, now the interesting part. नहीं होगा मुझसे, होगा होगा, you can do it. Hey guys, welcome back to my channel. One more. Hey guys, welcome back to my channel. So yeah, जो second look है मेरा, उसके लिए I don't have that similar type of kurta. So I will use an alternate one. मतलब रेडिश टाइप का है बट ऑल्टरनेटिव है, इस टाइप का नहीं है. अरे कहना क्या चाहते हो? आई नो पूरा मैच नहीं करेगा बट आई विश कि वाइब मैच करे इन लोग. सो या आई हैव चेंज्ड माय आउटफिट अकॉर्डिंग टू इट एंड आई हैव जस्ट स्प्लिटेड माय हेयर मिडवेज क्योंकि आशना ने मतलब उस फोटो के हिसाब से शी हैड स्प्लिटेड हर हेयर मिडवेज. आई एम परफेक्ट. Wow, everyone is working so hard. अब मेरा पार्ट भी देख लो कि मैंने क्या किया है. हेलो गाइस, जो पहला लुक मैंने सिलेक्ट किया है वो है ये. इसमें एक ये क्लोजअप पिक्चर है एंड इसमें वो कुछ स्लीवलेस सा पहनी है. मेरे पास स्लीवलेस बस एक टैंक टॉप ही है, मैं ज्यादा स्लीवलेस कुछ पहनती नहीं हूँ. सो आई विल बी वेयरिंग द टैंक टॉप एंड उसने सर पे कुछ चेन सा लगाया हुआ है. आई विल ट्राई टू कॉपी द हेयर स्टाइल एज वेल एंड फॉर द चेन मैंने गोल्ड चेन सिलेक्ट किया है एंड हाथ में उसने कुछ पहना है तो आई हैव समथिंग सिमिलर टू दैट. तो मैं वो पहनने का कोशिश करूंगी एंड देयर इज अ लाइक अ ट्रायंगल शेप. वो पता नहीं वो किससे क्रिएट किया है. आई विल क्रिएट इट विद दुपट्टा, व्हाइट दुपट्टा से एंड इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज मुझे अकेले शूट करना है एंड आई विल ट्राई टू रिक्रिएट एज मच एज पॉसिबल. और उसने उसका मेकअप बहुत ज़्यादा मिनिमल है सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. आई विल डू अ वेरी मिनिमल मेकअप ऑन मी एंड या लेट्स स्टार्ट. प्लस पॉइंट ये भी है कि मेरे दोनों लुक के मेकअप लुक सेम है तो मुझे डबल डबल नहीं करना पड़ेगा, जस्ट मुझे लिपस्टिक का शेड चेंज करना पड़ेगा सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना मेकअप. मैंने किसी भी तरह अपना हेयर स्टाइल किया है, ऐसा नहीं हुआ एग्जैक्टली बट जैसा भी हुआ है सो यस. एंड मैंने अपना आउटफिट भी चेंज किया, मैंने टैंक टॉप पहन लिया है ब्लैक कलर का. सो नाउ इट्स द टाइम फॉर शूट, मैं यहीं पे शूट करने वाली हूँ. आई जस्ट गॉट टायर्ड, ये फर्स्ट शूट में मैं टायर्ड होगी, हाथ ऊपर रख रख के एकदम हाथ दर्द हो गया. सो मैं आप लोगों को मेरे शूटिंग का सेटअप, माई कैमरा मैन, माई ट्राईपॉड एंड आई यूज दिस एज वो जो ट्राइंगल जैसा लग रहा था, आई यूज दिस वाइट दुपट्टा. नाउ लेट्स क्रिएट अवर सेकंड. सो मेरा सेकंड जो लुक है उसमें आशी एक बेज कलर का पुल ओवर पहनती है जो कोल्ड शोल्डर है. मेरे पास एक बेज कलर का पुल ओवर तो है बट दिस इज लाइक फुल स्लीव है और उसमें टर्टल नेक भी है, इसमें भी टर्टल नेक है तो हो जाएगा. एंड मैं ब्लैक पैंट, उसमें भी उसने ब्लैक पैंट पहना है तो मेरे पास भी एक ब्लैक पैंट है, मैं वो पहन लूंगी. एंड उसमें उसका बैंग्स है तो आई थिंक आई विल एडिट द बैंग्स. मैं क्रिएट करने का कोशिश करती हूँ, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता तो आई विल जस्ट एडिट. गाइस मैंने ना बैंग क्रिएट करने का कोशिश किया तो कुछ ऐसा हाल हो गया तो मैं एडिट ही कर दूंगी उससे अच्छा. सो यस गाइस मैंने पहन लिया, बस मैं लिपस्टिक चेंज करने वाली हूँ क्योंकि उसने उसमें पिंकी स्टोन का लिपस्टिक लगाया तो मैं वैसे ही कुछ लगा लेती हूँ एंड आई एम ऑलमोस्ट रेडी. और मैं सोची थी बाहर जाके शूट करूंगी बट बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब एक्सेसिव धूप है तो मैं रूम में शूट कर रही हूँ और बैकग्राउंड ऑब्वियसली मुझे चेंज करना ही पड़ेगा तो या मैं रूम में शूट. हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. इफ यू न्यू दिस, हे गाइस वेलकम बैक टू
welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Ashi Khanna, and I will be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. So now that you have seen what we are doing, now just call each other and see the results. Now I have these two girls with me over call. So, कैसा गया तुम लोग का एक्सपीरियंस, कैसा रहा शूट करने का इतना सारा वीडियो? डिफिकल्ट था, लाइटिंग एंड पूरा बैकग्राउंड सेटअप एडिटिंग, इतना तो पता चल गया कि दीज गर्ल्स आर सो ऑसम, मतलब इसलिए ये वहां है और हम यहाँ है, ये पता जरूर चल गया. ऑनेस्टली एकदम उन्नति का पोल. एक तो मेरा एक दो दिन तो बारिश में वेदर का प्रॉब्लम, ऊपर से मिला टाइम तो एक दिन में सब कुछ करो, इसके वहाँ बारिश हो गया था. फिर भी मतलब तो वीडियो और पिक्चर्स बहुत अच्छे से किए हैं, तो सैल्यूट टू बोथ ऑफ यू. इसमें कौन दिखाने वाला है ये? मैं. अच्छा ठीक है, दिखाओ फर्स्ट पिक्चर, दिखा दो कौन सा. अच्छा तो मैं फर्स्ट पिक्चर आप लोग को सेंड कर रही हूँ, तो Are you ready? Yes. Me scared. Yes. चलो 3, 2, 1. Oh my God. बहुत ही ज्यादा एंड बैकग्राउंड सेम. स्पीचलेस, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने का, इतना अच्छा तुमने ये पिक्चर रिक्रिएट किया है. इसको करने के लिए मैं ठीक है, लेकिन द वे शी लुक्ड, मतलब उसका एंगल, जिस एंगल में वो देख रही थी, इट वॉज मतलब मुझे मैच करने में तो बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मेरा एंगल ही नहीं मैच कर रहा था, लेकिन कोशिश किया. एंड उसने स्वेट पहना था, उन्होंने जैकेट को किस तरह से रोल करके किया, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट या आई थिंक इट टर्न गुड. इट टर्न अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, मतलब वो जो लाइटिंग आया तुम्हारे पिक्चर में अमेजिंग. तो आप सेकंड पिक्चर देखे? एक सेकेंड. लिपस्टिक, सीरियसली क्या कब? आप लिपस्टिक कब से? लिपस्टिक कब से लगाना एक्चुअली आईना का लुक के क्रिकेट. मैं लिपस्टिक यूज नहीं करती, मतलब उसने मेकअप भी किया था, मैंने मेकअप है आप लोग को बताती हूँ, मैंने मेकअप यूज नहीं किया. आई जस्ट ओनली यूज जॉनसन बेबी क्रीम, द लाइटिंग एंड आई शेडो भी मैंने पता कैसे यूज किया, हल्का सा मैंने लिपस्टिक लिया एंड अपने लिप के ऊपर पूरा स्प्रेड कर लिया, देन मैंने वैसलीन लिया और उस वैसलीन को आई पे ऊपर लगाया एंड लिप पे लगाया, उसी कलर को मिक्स करके मैंने सब कर लिया, पूरा मेकअप, ब्लश, आई शेडो एंड लिपस्टिक मेरा उस छोटे से सेगमेंट से हुआ है. सो थैंक यू. ये हैक को यूज जरूर कीजिएगा आप लोग एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन मी. रेडी फॉर द सेकेंड लुक? रेडी, गेट सेट. ये हुआ सेंड. लाल परी, दोनों पिक्चर रेड रेड. हाँ ये थोड़ा इंडियन टच में था एंड दैट वाज सेल्फी. बहुत अच्छा एकदम, कुर्ती इतना अच्छा लग रहा है तुम पे ना, मतलब डिफरेंस समझ ही नहीं आ रहा दोनों पिक्चर का. हाँ पिक्चर में सबसे बेस्ट थिंग हमको एडिटिंग का, एडिटिंग वाला पार्ट लगा, सेम बैकग्राउंड, मतलब थैंक यू. बट नाउ इट्स टर्न फॉर उन्नति. आर उन्नति, नॉट उन्नति, आर उन्नति. आई एम टू स्केर्ड, मतलब सो रुकिए, पहला फोटो. Waiting for your photo. चला गया. My God, who is this? ये नहीं, one second. उन्नति मलारकर. ये क्या है, क्लोनिंग हुआ है क्या? फोटो की क्लोनिंग हुई है? ये क्या है? हाँ सही लग रहा है. I am mom, dad.
ये टाटा बाय बाय खत्म। और पता है ये टी शर्ट बोरो किया हुआ टी शर्ट, सो अमेजिंग। आई मीन कितना परफेक्ट है ये, द पोज एकदम लग रहा है सेम। क्विट मैम, मे क्विट, एकदम सेम पोजीशन मैम, मे क्विट। हार गई मैं, सॉरी। सीरियसली गाइस, ये क्या क्या है ये, इसको उन्नति को दिखाओ भाई, प्लीज उन्नति मल्हारकर, इफ प्लीज इसको, इस वीडियो को प्लीज देखिए प्लीज, इसको इतना मेंशन करो, डैम फैम को इतना मेंशन करो कि प्लीज उन्नति ये देखेगी ना, आई एम श्योर शी विल बी प्राउड ऑफ हर सेल्फ। आई मीन ओके चलो नेक्स्ट, आई एम डन नाउ। सारा फोटोज ना, मतलब दोनों फोटोज ही वाइट एंड थोड़ा ब्लैक। उन्नति इज ऑब्सेस्ड। नेक्स्ट प्लीज। हाँ तो सेकंड फोटो भेज, चला गया। टाटा बाय बाय खत्म, ये बाय बाय टाटा गुड बाय खत्म। फोटो के पीछे इतना दिमाग खराब हुआ। लुक एट द फोटोग्राफर, कौन है तेरा फोटोग्राफर? खुद नहीं, 10,000 मेरे दिए, इसको 100। जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग, शी इज रियली ऑस, शी हैड डन रियली ऑसम जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। शी आने का सोचा रखा है क्या? ये क्या है? ये गोवा वाले का है ना, ये तो गोवा जब गए थे तब का है ना ये वाला। मी डेड, मेरा मुंह तब से खुला का खुला ही रह चुका है। मी डेड, सॉरी। मी टू, कोई अल्फाज ही नहीं है मेरे पास, कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे। I am proud of you. Thank you. Me too. Thank you so much. So, I am not ready for your last picture. Sorry, ma'am. ये तीन हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुके हैं, तीसरा में, अब फोर्थ में मैं आई एम डेड पक्का। नो, फोर्थ में मैं एक बात बोलना चाहूंगी, उसमें लाइटिंग इशू थोड़ा सा, मतलब पिक्चर्स, दोनों पिक्चर का लाइटिंग थोड़ा डिफरेंट होगा। एनीवेज, आई एम सेंडिंग यू गाइस द पिक्चर। आई डोंट थिंक सो, ये आप हो? आपके मुंबई में रहते थे पहले? ये मतलब जुड़वा बहन? नहीं, बैंग्स, हम तो बैंग्स पे फ्लैट हो चुके। मतलब कपड़े, मतलब कपड़े एक्सचेंज ऐसे कुछ, मतलब कपड़े भी सेम है, जिसका थोड़ा सा शोल्डर ऑफ है, मतलब इनको ज्यादा ठंडा लग रहा था, आशी को कम ठंडा लग रहा था। वो मैंने यहाँ तो नोटिस नहीं की, क्या किया बैग में आपने? मैं डिटेलिंग में मैंने नहीं देखा, मैंने पहला नजर उसी पे गया था, देखा एंड इट वाज जस्ट स्प्लेंडेड, एंड मेरे पास कुछ बोलने था तो मैंने बस फोटो में देखा, लेकिन बैग पर मैंने फोकस ही नहीं किया। मेरा पहला फोकस तो बैंग्स पे ही गया था, लाइक कब न्यू हेयर कट, कब? ओ भाई, क्या मुझे बैंग्स कट लेना चाहिए? एक्सटेंशन, ये मतलब कैसे किया है? हाँ। मतलब एक्सटेंशन किया या फिर पेंसिल से ड्रॉ किया? पेंसिल से तो परफेक्ट ड्रॉ नहीं होगा, एडिट किया। आशी का बैंग्स बैठाया और इरेज कर दिया, हो गया। ओके गाइस, चलो तो हो गया। ओके गाइस, यहाँ पे ये सिलसिला खत्म होता है, सबसे मैं हार रही हूँ। कोई नहीं आ रहा है, सबने बहुत अच्छा काम किया, पूरा मेहनत किया है, एंड आई अप्रिशिएट यू गाइस सो मच, थैंक यू। मेन एक तो बहुत इम्पोर्टेंट बात था कि, मतलब सारे यूट्यूबर्स को कहना चाहती हूँ, आप लोग इतना मेहनत करते हो यार हम लोग को एंटरटेन करने के लिए। मेरे दो वीडियो शूट करने में, मतलब एक पहला पार्ट एंड सेकंड पार्ट शूट करने में मेरा हालत खराब हो चुका था। आई मीन रियली, मतलब
एक तो डैम फैम की जो चैनल है उन्होंने बनाई है, दैट्स रियली वी आर ग्रेटफुल फॉर देम। आई मीन हर सैटरडे हम लोग वेट करते हैं कि कब नया वीडियो आएगा, एंड मतलब दे आर डूइंग द बेस्ट एंड वी सपोर्ट यू गाइज फ्रॉम अ बॉटम ऑफ अ हर्ट कि कितना मेहनत लगती है। आई मीन द लेबर दे डू, मतलब लाइटिंग हुआ, सेटअप हुआ, क्या बोलना है। सो यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, तो जाने से पहले आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को, अच्छा तुम लोग भी बोलो, मैं क्यों बोलूं भाई। नहीं, हम लोग ने मेहनत की है एंड वी वांट यू गाइस सी हमारे मेहनत को थोड़ा सपोर्ट करके, हमारे नहीं, हम लोग तो बस ये कुछ दिन के कुछ टाइम के मेहमान है, बट शी इजिता इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई मीन उनके ऑफिस का शेड्यूल एंड फिर उनका घर का, आई मीन सब शेड्यूल को मिला के वो हमारे लिए वाईटी बना यूट्यूब वीडियोस बनाती है। सो ऊपर से ब्राउन फैमिली में रह के, या मैंने और तनुश्री ने ये बहुत फर्स्ट टाइम फेस किया है, ये लास्ट टाइम है। अब तो ना हो पाएगा, ये हम लोग लास्ट वो हो गया हम लोग का। हाँ अच्छा ठीक, ये है एग्जाम्पल। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट कमेंट कर देना जो आपको, जिसका फोटो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और अगर तीनों का ही अच्छा लगा हो तो तीनों का नाम लिख देना यार। हाँ। पता है तीनों का ही अच्छा लगा होगा, ये तो श्योर है। एंड हाँ एक और चीज, इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना यार तुम लोग थोड़ा। तीनों हैंडल मैं डाल दूंगी आपको। चलो बाय 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 बाय।